ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है गाइस और एकदम स्वस्थ है और ट्रिपल वन पर आने वाली हर वीडियो को बहुत पॉजिटिवली एंजॉय कर रहे हैं। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, हमारी जिंदगी के अंदर डेस्टिनी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। डेस्टिनी इज समथिंग जो कि हमारे साथ है तो सब बहुत बेहतरीन है। हमारी डेस्टिनी में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो हमें मिलती जरूर है। हाँ, उस चीज को हम आगे पीछे जरूर कर देते हैं, कुछ चीजों को हम अपनी जिंदगी से निकाल जरूर देते हैं, लेकिन हाँ, डेस्टिनी का लिखा हुआ जो है ना, वो हमें समहाउ किसी ना किसी तरीके से मिलता जरूर है। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं इस एनर्जी, इस ऊर्जा के बारे में। सो गाइज, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आइए जानते हैं आज की टैरो रीडिंग के माध्यम से। सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आज हम ना कि केवल जानेंगे कि व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, अभी तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी तीन चीजें हैं जो आपकी डेस्टिनी में होकर के ही रहेगी, चाहे जितना मर्जी कोई कुछ करने की कोशिश कर ले, छीन ले, आपसे कभी भी ये तीन चीजें छीन नहीं सकती। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ऐसी वो कौन सी चीजें हैं, आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप सभी लोगों के लिए। सो आपने क्या करना है, यहाँ पर ना दो कार्ड्स मैंने रखे हुए हैं, ये है पाइल नंबर वन और ये है पाइल नंबर टू। इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड को आपने पिक करना है। पाइल नंबर वन का कार्ड जो बोल रहा है वो है अबेंडेंस, एंड कार्ड नंबर सेकंड जो बोल रहा है वो है हेल्प। आप नंबर्स के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं कि वन या टू, या फिर आप अबेंडेंस और हेल्प जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से पिक कर सकते हैं, या फिर इन दोनों कार्ड्स का जो पिक्चराइजेशन है वो भी आप देख करके पिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ फ्लावर्स है, सन है, मून है, ठीक है, पॉजिटिव क्रिएटिव स्टार्स हैं, ओके। एंड पाइल नंबर टू में कौन है, पाइल नंबर टू में हैंड्स है, है ना, हाथ है, आईज है और स्टार्स है और हेल्प लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक कार्ड को पिक कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करें आज की रीडिंग, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि एक जनरल रीडिंग है। मैं पूरी आशा और उम्मीद रखती हूँ कि आज की रीडिंग आप सभी लोगों से रेजोनेट हो। अगर होती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आप पहली बार आज विजिट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर वन, जो कि है हमारा कार्ड नंबर वन, जिसका नाम है द अबंडेंस। स्टार्ट करते हैं विद दिस कार्ड। हाई टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर वन पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है, स्वागत है आज की रीडिंग के अंदर। आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर वन को, जिसका नाम है द अबंडेंस। अबंडेंस आप लोगों ने पिक किया है। ए नंबर जो ए लेटर है वो भी एक नंबर पर आता है। सूर्य है यहाँ पर, वो भी एक नंबर पर आता है। वन नंबर है ही कार्ड का, ठीक है। सो सारे के सारे एक वन 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 की सीरीज बना रहे हैं। हो सकता है पाइल नंबर वन पीपल आप लोगों को 11-11 या 111 बहुत दिखता है, या फिर 12-21 या 12-12 आप लोगों को बहुत दिखता है। ये एंजल नंबर्स होते हैं गाइज, और इनका जो मीनिंग है, जो इनका मतलब है, वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक होता है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके विषय में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुछ डेजी के फ्लावर्स, और ये वाले फ्लावर्स कौन से मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे ये पता है कि ये डेजी के फ्लावर्स हैं। स्टार है, मून है, आपको पता है तो मुझे बताना। अगर आप गेस कर सकते हैं कि ये कौन से वाले फ्लावर है तो जरूर बताना। मुझे थोड़े से ये जैस्मिन वाली वाइब दे रहे हैं, बट जैस्मिन में इतना बड़ा ऐसे लंबा डंडा नहीं होता है। सो ऑल्सो आई एम सीइंग हियर स्टार्स, सन, मून की ऊर्जा, ठीक है, प्लांट्स है, लीव्स है, एंड दीज ऑल थिंग्स आर इन अ गोल्डन कलर, ओके। तो ये गोल्डन कलर यहाँ पर क्या शो कर रहा है, गोल्डन कलर शो कर रहा है प्रोस्पैरिटी, ठीक है, अगेन अबंडेंस, मनी अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, उन्नति, जागृति और सफलता, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी पॉजिटिव विकल्प का होना शो कर रहा है गोल्डन कलर। एंड सन की ऊर्जा यहाँ पर गोल्डन टाइम को शो कर रही है, गोल्डन टाइम, ये जो सन की ऊर्जा है गोल्डन टाइम को शो कर रही है कि इसकी जो किरणें हैं, जो आप देख रहे हो ना किरणें जो है, किरणें जहां जहां पड़ेंगी वहां वहां और पॉजिटिव दिशा बढ़ती चली जाएगी। एंड आई एम सीइंग हियर
कि इन किरणों से अगर हम निकल के बाहर देखने की कोशिश करें, सो वी ऑल्सो हैव मून, ठीक है। न्यू मून के बाद धीरे धीरे जो चंद्रमा बनता है ना, ये वो वाला है, चंद्रमा है यहाँ पर, जो कि चंद्र हमें ऊर्जा दे रहा है शांति की, ठीक है, साइकिक एबिलिटीज की। एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स आर देयर, स्टार्स शोइंग द एनर्जीज ऑफ होप, एनर्जीज ऑफ क्लैरिटी, एनर्जीज ऑफ साइकिक एबिलिटीज, प्लस लॉट्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स आर देयर। ये क्या बता रही है? ये बता रही है फर्टिलिटी, कुल मिलाकर के ग्रोथ। तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों ने, जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है, या तो आप लोगों को 111 बहुत दिखता है, या ऐसा हो सकता है माई ब्यूटिफुल पीपल कि आप लोगों का मूलांक एक है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर काफी ज्यादा है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी ज्यादा दृढ़ निश्चयी, कॉन्फिडेंट, स्टेबल, सिक्योर एलिमेंटल पर्सन है, ग्राउंडेड पर्सन है, काफी मेच्योर इंसान है आप। आप अपनी जिंदगी में दुखों को दुख ना समझ के एज एन अपॉर्चुनिटी समझते हैं, गुस्सा भी आता है तो आप चीजों को संभालते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यू आर अ काइंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिट, ठीक है, एक स्ट्रांगली स्पिरिट, एक स्ट्रांग हाइपरिस्टिक स्पिरिट है आप लोगों की पाइल नंबर वन। अगर इस तरीके का आपका डिस्क्रिप्शन है तो ये रीडिंग आपकी है पाइल नंबर वन। आइए शुरू करते हैं आपके लिए और चेक करते हैं कि कार्ड्स में क्या आता है। और इन द लास्ट ऑफ दिस रीडिंग हम लोग ये भी चेक करेंगे कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई, आपकी किस्मत में है भाई, आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है, विच इज इन योर डेस्टिनी। लेट्स सी क्या आता है। हे ईश्वर, गाइड कीजिएगा फॉर द पाइल नंबर वन। किंग ऑफ कप्स, आहा, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ चैल्स, क्वीन ऑफ चैल्स, The Page of Wands, The Queen of Wands, Page of Wands, The Queen of Wands. Few more cards. Nine of Pentacles, Eight of Swords, The Six of Swords, and The Justice. Kya baat hai? Bottom of the deck, we have a card of lovers, the lovers. तो मेरे प्यारे पाइल नंबर वन वालों, बहुत कुछ है आपकी डेस्टिनी में। If you think your destiny is like बहुत ही कूल सी है, वो शांत सी है, कुछ नहीं है ये वो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कंप्लेन करते हैं अपने आसपास के लोगों से, पता नहीं क्या लिखा है मेरी तो जिंदगी में, क्या लिखा है मेरी तो किस्मत में, पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। सो इफ यू कंप्लेन लाइक दीज थिंग्स, आई मस्ट से आपकी जिंदगी में बहुत कुछ लिखा है, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। कुछ कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से टैरो से भी पिक करूंगी आप लोगों के लिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली एरीज, लीब्रा, कैप्रिकॉन की ऊर्जा मैं यहाँ पर ज्यादा फील कर रही हूँ, ठीक है। दीज एनर्जीज आई एम स्ट्रांगली गेटिंग हेयर, ऐसी कुछ एनर्जीज मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि है, ठीक है। और मैं ऐसा भी महसूस कर पा रही हूँ, अगेन वन नंबर, सिक्स नंबर, वन, सिक्स, इलेवन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, सेवनटीन, सिक्सटीन, थर्टीन, एंड 30, 30, 30, 28 and 26 ऑल्सो, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, या आपके लिए आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या आपके जन्म का दिन भी हो सकता है इनमें से कोई। ऑल्सो मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि नीला, गुलाबी, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलती हूँ, यू गाइज विल गेट द पॉइंट, ब्लू,
पिंकिश नहीं होता, वो बेबी पिंक होता है, पीच जैसा भी फील होता है, अभी पीच और पिंक का जो कलर होता है वो, येलो, ग्रीन एंड मरून, नॉट एग्जैक्ट रेड, मरून, ये कलर्स आप लोगों के लिए बहुत लकी है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, ये कलर्स आप लोगों के लिए बहुत लकी है। अगर पहनने में आप पूछोगे मुझसे तो मैं ये बोलूंगी कि व्हाइट कलर आप लोगों के लिए काफी बेहतरीन साबित हो सकता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस, व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी में ना स्पेसिफिकली मैं देख रही हूँ, हम नेगेटिव से शुरू करते हैं ताकि हम पॉजिटिव तक जाएं और आपको अच्छा महसूस हो। मैं आपकी डेस्टिनी में महसूस कर रही हूँ एक तड़प, ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ कि एक ऐसी ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ जिस, आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा दैट यू हैव एवरीथिंग, यू डोंट हैव क्रेविंग फॉर एनीथिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजों को लेकर के तड़प रहेगी, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में ये चीज। प्यार नहीं है तो प्यार को लेके तड़प है, आगे चल करके सक्सेस नहीं है तो सक्सेस को लेके तड़प है, अब प्यार भी है सक्सेस भी है तो स्पिरिचुअलिटी को लेके तड़प है। मतलब कभी भी आप अपनी लाइफ के अंदर सॉरी टू से सेटिस्फाइड फील नहीं करोगे। क्यों? आप जैसे ही सेटिस्फाइड फील करना स्टार्ट करोगे ना कि हाँ मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, आपको कोई और नया चस्का लग जाएगा, ठीक है, कुछ और नया आपके दिमाग में आ जाएगा, भाई ये भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रॉन्ग चीजें मैनिफेस्ट करते हो, बट मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप की जो ऊर्जा है ना, आपके जो डिजायर्स हैं वो महत्वाकांक्षी हैं, आपको कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नया चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है, आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी, नो 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 नो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत है। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन कभी भी आपके साथ स्पून फीडिंग नहीं होगी, फूडिंग बोल रहे हो, स्पून फीडिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पैदा ऐसे लग्जरी और ऐसे खूबसूरत घर में पैदा हो गए, आपको तो सोने की और चांदी की चम्मचों से खिलाया जा रहा है, आपके सामने तो ऑलरेडी आपका करियर सेट है, ऐसा है वैसा है, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इवन अगर आप एक बहुत ही वेल्दी रिच फैमिली में भी पैदा होते हैं ना, तो भी आपके साथ सिचुएशन ये रहेगी कि आपको कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगा उनका, आपको खुद ही कुआं खोदना है, खुद ही पानी पीना है, खुद ही सब काम करना है, दिस इज इन योर डेस्टिनी, ओके। सो नो स्पून फीडिंग इज देयर एंड नो सेटिस्फेक्शन इज देयर। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी, आपको मिलेंगी, लेकिन जैसे ही आपको कोई चीज मिलेगी ना, आपके मन में उस चीज के प्रति या उस इंसान के प्रति एक स्ट्रांग जो ऑब्सेसिव लगाव है ना, ऑब्सेसिव लगाव कि भैया ये नहीं है तो सब खत्म है यार, ये इसका होना तो बहुत जरूरी है, वो चीजें समहाउ आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगी, ओके। उस चीज को लेके जो आपको मिल गई है और आप किसी नई चीज की जर्नी पर निकल जाओगे, ओके। आपकी डेस्टिनी में बहुत जर्नीज हैं, मुझे आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नजर आते हैं, कुछ लोग सोलमेट जर्नी में नजर आते हैं, कुछ लोग सेल्फ अवेकनिंग की एनर्जी में नजर आते हैं। इवन ऑल्सो आई एम गेटिंग हियर इज कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में बहुत ट्रैवल करेंगे, बहुत ट्रैवल करेंगे, बहुत एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, बहुत स्पेंड करेंगे चीजों के अंदर। इवन आप ये मान के चलो कि आप अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा कि ट्रैवल नहीं करना चाहते बट आप ट्रैवल करेंगे, आपकी जिंदगी में ट्रैवलिंग बहुत है, ठीक है। स्थाई घर, जो अपना खुद का स्थाई घर होता है ना, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी भी कि हाँ मैं खुश हूं इस घर के अंदर, नो, आप हमेशा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहेंगे। मे बी आप काम के सिलसिले की वजह से, आप जो भी जॉब करेंगे या जो भी नौकरी करेंगे उसकी वजह से, या अपने काम की वजह से देश विदेश ट्रैवल करेंगे, बहुत ट्रैवलिंग है आपकी डेस्टिनी में, बहुत ट्रैवलिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी लाइफ में तो ट्रैवलिंग ही नहीं है, मेरी तो उम्र ऐसे हो गई है वैसे हो गई है, सब्र करो, ट्रैवल बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी जिंदगी में कार्मिक बहुत रहने वाले हैं। कार्मिक मालूम है कौन होते हैं? कार्मिक वो लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में पास्ट लाइफ से आते हैं अपने कर्मों को चुकती करने के लिए, ठीक है। वही चीज मैं यहां पर फील कर रही हूं, आप लोगों की जिंदगी में कार्मिक्स बहुत हैं,
भर भर के कार्मिक्स हैं आपकी जिंदगी में। आप ये सोचो कि आपकी लाइफ के अंदर कार्मिक्स खत्म हो गए हैं, आप दोबारा से आ जाएंगे। आपके इवन आसपास के बहुत सारे लोग आपको कार्मिक नजर आएंगे, बहुत सारे लोग आपको कार्मिक दिखेंगे। इवन आप बहुत बार ऐसा भी महसूस करोगे कि यार इतने सारे लोग है ना, मेरी टांग खींचने को कहां से पैदा हो गए। ठीक है, सो यू गाइस हैव लॉट्स ऑफ कार्मिक्स आल्सो। ओके, आपकी जिंदगी में आपको हमेशा न्याय इंसाफ जरूर मिलेगा। वी हैव अ कार्ड ऑफ जस्टिस हियर। ओके, आपकी जिंदगी में आपको हमेशा, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, जस्टिस हमेशा मिलेगा आपको आपकी जिंदगी के अंदर। ठीक है, अब जस्टिस का मतलब, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं मेरे को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा, क्या जिसने मेरा बुरा किया उसके साथ बुरा होगा? ये सोच ही खराब है। इफ यू थिंक कि अगर जिसने आपका बुरा किया है उसका बुरा हो जाए तो आपका आपको इंसाफ मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफाना हरकत है, दिमाग का फितूर है और कुछ नहीं है। इंसाफ का मतलब होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ किसी कलीग ने या किसी बॉस ने बहुत दुखी किया आपको, ठीक है, इतना इवन दुखी कर दिया कि आप उस एनर्जी से ही अब बाहर आ गए, आप ये सोच रहे हो कि भैया अब मेरे को तो कहीं और जॉब करना है। तो इस चीज के अंदर पता है क्या इंसाफ होगा, इस चीज के अंदर आपके साथ में इंसाफ होगा कि आप किसी ऐसी जॉब का पार्ट बनते हो, किसी ऐसी जगह पर नौकरी करते हो जहां पर आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, काम भी आपको ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है, आपको छुट्टियां भी अच्छी मिल रही है, प्लस आपके साथ में सब बेहतरीन से बेहतरीन हो रहा है। ये आपकी जिंदगी में वो होगा, जस्टिस होगा। ओके, सो जस्टिस की परिभाषा को हमेशा समझें। आपकी जिंदगी में आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, आपके साथ कुछ गलत किया है, परमात्मा उसको अपने हिसाब से पनिश कर देंगे, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचना कि इसके साथ बुरा कब होएगा, ताकि इसको पता लगे कि कितना बुरा लगता है। इस एनर्जी में आपने कभी नहीं जाना है, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव पर्सन है, आप एक स्ट्रांग पर्सन है जो कि यहाँ पर अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो आपको जस्टिस हमेशा मिलेगा। नाउ आपकी डेस्टिनी में है समहाउ कुछ चीजों को लेकर के आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन, सर्वाइकल, स्टमक एसिड, एसिड पता है ना, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स बन जाता है, जो GERD जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स की वजह से। ओके, और जॉइंट्स का कोई पेन, जैसे कि आपके हैंड जॉइंट्स जो होते हैं, ठीक है, ये, और आपकी एल्बो वाले, या फिर आपका जैसे कि शोल्डर के जॉइंट्स हो गए, या फिर आपकी नेक में हो गया, या आपके घुटने हो गए, नीज हो गए, ठीक है, इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी डेस्टिनी में है। तो इसलिए अभी से ही इन चीजों को लेकर के सजग रहें, ठीक है। जो भी चीज डेस्टिनी में होती है ना, वो होगी जरूर, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी को हम कम ज्यादा कर सकते हैं अगर हमें पहले पता लग जाए तो। ओके, तो आप अभी से ही अपने जॉइंट्स के लिए अखरोट, अच्छी डाइट, ठीक है, ये करना स्टार्ट करें, जिमिंग करें, अच्छे से एक्सरसाइज करें, जिम करें तो सही समझ के करें, अच्छे से कोच के निर्देश अनुसार करें, ठीक है, किसी भी मशीन को इस्तेमाल करें तो ऐसे नहीं अनाथुंद करें, ज्यादा वजन ना उठाएं, ओवर थिंकिंग ना करें, थोड़ा सा रेस्ट लिया करें, ठीक है, अपनी नेक को जो है अच्छे से रिलैक्स दिया करें, मसाज किया करें, फेशियल मसाज किया करें, ओके, ताकि आपकी नर्व्स और आप ग्लोई भी बनोगे और आपकी नर्व्स भी सही रहेंगी। सो स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना आपको जरूरी है, ठीक है, चाहे आपकी एज जितनी भी है, चाहे आप 18, 20, 25, 30, 40, 50, कितने भी साल के हो, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स, क्योंकि ये जो हेल्थ का इश्यू आया ना, ये आपकी डेस्टिनी में है। एंड आई डोंट वॉन्ट, इवन आप भी नहीं चाहते होगे कि आपको ऐसी परेशानियां आए, तो अगर आप नहीं चाहते हो तो प्लीज डोंट डू दीज थिंग्स। ओके, तो डेस्टिनी में आपके करियर की तरफ से क्या है, ये मैंने ओवरऑल बताया। डेस्टिनी में आपके करियर की तरफ से क्या है, आपकी करियर की तरफ से आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। आप बहुत मेहनत करोगे, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बनोगे, ठीक है, कि आपके पास अच्छा खासा लग्जरी है, घर है, गाड़ी है, दुकान है, मकान है, बहुत कमा रहे हो आप, ओके, और अगर आप ठीक ठीक मेहनत कर रहे हो और अदर चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो करियर से ज्यादा, तो आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा में रहोगे कि इतना कमा रहे हो जिससे आपका भरण पोषण, आपके परिवार का भरण पोषण हो रहा है। ओके, आप में से कुछ लोग मुझे बिजनेस और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जॉब करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, दिस इज इन योर डेस्टिनी। बट आप किसी प्रकार का ऐसा बिजनेस करोगे अगर करते हो तो, कि जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को आप
पॉजिटिव पोटेंशियल में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, और अगर आप किसी प्रकार की कोई जॉब कर रहे हो तो आप ऐसा जॉब करोगे जिसके अंदर बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस इज इन योर डेस्टिनी. सो इन योर डेस्टिनी देर इज लॉट्स ऑफ लग्जरी, चाहे आपकी खुद की हो, चाहे आपके पति या आपकी पत्नी की हो, चाहे आपके बच्चों की हो, यू हैव लॉट्स ऑफ लग्जरी. ओके, लव में क्या सीन है? अगर आपको यहाँ तो बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड था और यहाँ पर किंग एंड क्वीन दोनों कप्स की एनर्जी में, दोनों चार्ल्स की एनर्जी में, आपकी शादी आपके ट्रू लव या आपके सोलमेट से होगी. और अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसकी शादी ऑलरेडी हो गई एंड यू आर नॉट हैप्पी विद योर पार्टनर, तो आप समझ जाओ पिक्चर अभी बाकी है. ऐसा हो सकता है कि आपका इस इंसान से सेपरेशन हो और आप किसी अच्छे इंसान के साथ शादी करें. ओके, क्योंकि ट्रू लव है यहाँ पर, ट्रू लव ही है आपकी डेस्टिनी में. अगर आपके घर वाले किसी कार्मिक के साथ आपकी शादी भी करा देते हैं ना, तो आगे चल करके वो शादी टूटेगी. क्योंकि यहाँ पर देखो, आपकी डेस्टिनी में है कि आप अपनी जिंदगी में बर्डन देखोगे, आपकी डेस्टिनी में है कि आप अकेले रहोगे. ओके, अकेले रहोगे कुछ समय के लिए, कॉम्प्रोमाइज करोगे कुछ चीजों के अंदर, और आपका जो सबकॉन्शियस लेवल है ना वो बहुत जागेगा, वो जागृत अवस्था में आएगा. इससे भी ज्यादा मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ पाइल नंबर वन पीपल, कि आपकी जो डेस्टिनी है ना वो पॉजिटिवली अनफोल्ड होती चली जाएगी. पॉजिटिवली अनफोल्ड होने का मतलब है कि आप परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप बहुत तरक्की हासिल कर रहे हो. आपके साथ जब भी बुरा हो रहा है ना, तो आप उसके अंदर तरक्की हासिल कर रहे हो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हासिल कर रहे हो. प्लस जब भी आपके साथ बुरा हो रहा है ना, आप परमात्मा से एक कदम और जो है उनसे मिलने की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है? दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. सो कॉम्प्रोमाइजेस, सोरो, बर्डन, ठीक है, ढेर सारा वाला ट्रैवल, जस्टिस, ट्रू लव, ढेर सारी लग्जरी और ढेर सारा पॉजिटिव पोटेंशियल आपकी डेस्टिनी में है. बॉटम ऑफ द डेक है द वॉकिंग इन अ गुड वे कार्ड. अब देखो यहाँ पर आपके लिए क्या आया है, आपका आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा है. आप अपने नाती पोतों को एक सेटिस्फाइड स्टेबल पर्सन हो गए आप, और अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाओगे, है ना, चीजों के बारे में बताओगे, लोगों के बारे में बताओगे, सबको आप एक तरीके से एक मोटिवेशनल पर्सन रहोगे अपनी जिंदगी में आगे आने वाले जनरेशन के लिए. कि हमारी ऐसे ऐसे दादी हुआ करती थी, हमारी ऐसे ऐसे बुआ हुआ करती थी, हमारी ऐसे ऐसे एक नानी हुआ करती थी. अब आप लड़के हैं तो उसको वैसे ले लेना, तो उन्होंने जैसा करके दिखाया ना वैसा कभी किसी ने नहीं करके दिखाया. शी वॉज सो इनकरेजिंग, शी वॉज सो मोटिवेशन देने वाली, ठीक है? तो आपको ऐसा आपके आने वाले जेनरेशन के मुंह से सुनने को मिलेगा. और जब आपके साथ ऐसा होगा ना, तो आपका दिल जो है ना वो गदगद हो जाएगा, बहुत खुश हो जाओगे. सो इट इज इन योर डेस्टिनी. आपकी डेस्टिनी में है क्लिंजिंग, दैट मीन्स आस पास के जो फालतू लोग है ना, इन लोगों से मुक्ति. आप अपनी जिंदगी में, इवन मैं एक बात बताऊं, बहुत ही ओल्ड एज में, ओल्ड एज का मतलब हो गया एक ऐसी एज, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर 15 साल का और वो 10th क्लास में है तो इट सीम्स टू बी फाइन. लेकिन कोई इंसान 50 या 55 साल का है और वो 10th क्लास के लिए पढ़ रहा है, 10th क्लास का पेपर दे रहा है, सो इट फील सम ऑड एनर्जी, है ना, लोगों को बड़ा अजीब लगता है, अरे इतना बड़ा होके पढ़ रहा है, ये वाली बातें. तो आप अपनी उम्र में ना बहुत सारी ऑड चीजें करेंगे. आपकी डेस्टिनी में ये चीज, आप बहुत ऑड चीजों को फोकस करेंगे, ट्रिगर करेंगे. इवन जब जब लोगों को ऐसा फील होगा ना कि यार ये करो या नहीं करो, तो लोग आपके बारे में बताया करेंगे कि अरे यार फलानी फलानी ऐसी है ना, उसने ऐसे से किया था, तो यार जब उसने किया तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? नाउ लेट मी टेल यू वो कौन सी तीन चीजें हैं जो आपकी डेस्टिनी में है, जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता. वो तीन चीजें तो आपको मिल करके ही रहेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए. सो थ्री कार्ड्स मैंने पिक किए हैं, बता दूं? वाओ क्या बात है, मैंने तो देख लिया. बताती हूँ. सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी. इमोर्टल एनर्जी का मतलब है कि आप इस चीज को मान के चलो, आपके जाने के बाद भी आपकी ख्याति का होना. अब ऐसे कुछ कर्म करोगे ना आप, तभी तो आपके मरने के बाद भी लोग आपको याद कर रहे हैं. सो ऐसा आप कुछ करोगे जिससे कि आप सदा सदा जाने जाओगे. सेकंड,
आपकी डेस्टिनी में आप बहुत चैरिटी करोगे। अब अच्छी खासी चैरिटी कौन कर सकता है? जिसने अच्छा खासा कमाया हो। सो आप समझदार हो, राइट? सो अच्छी खासी चैरिटी करोगे और आपके बहुत अच्छे बच्चे होंगे, यानी कि वो जो कपूत इंसान होते हैं ना, वो नहीं होंगे, आपके आपके अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है? आपके अच्छे बच्चे होंगे, बहुत ही समझदार, जेन्युइन, पॉजिटिव। इवन आपके बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपको हमेशा खुशी देंगे, ओके? आपको हमेशा सराहना देंगे चीजों को लेकर के। Now what is the advice for you here is transformation, bottom of the deck learning experiences. Pile number one, people, आपने अपनी इस जिंदगी के अंदर ना बहुत सारी चीजें सीखी हैं। आपने अपनी इस इस लाइफ के अंदर बहुत कुछ देखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब बेवकूफी या बेफिजूल था। देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लर्निंग एक्सपीरियंस का कारण है। आप बहुत कुछ आपने अपनी जिंदगी में सीखा है, एंड यू गाइज आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। आपको बस अपने आप को और ट्रांसफॉर्म करना है। हर इंसान की ना एक अपनी इच्छा होती है कि मैं ऐसा दिखूं, मैं ऐसी दिखूं। अगर आपकी वो इच्छा फुलफिल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। यू डिजर्व लव, यू डिजर्व पॉजिटिविटी, यू डिजर्व लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। सो पाइल नंबर वन पीपल, दिस इज इन योर डेस्टिनी। आपको कैसी लगी आज की रीडिंग मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ना अपना सजेशन देना ना भूलें रिगार्डिंग दिस वीडियो, रिगार्डिंग द नेक्स्ट कमिंग टॉपिक्स। सो अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा, एंड जस्ट फील हैप्पी। योर डेस्टिनी इज सो ब्यूटिफुल। लव यू ऑल। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। Hi to all my beautiful pile number two people. आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है guys. आज की इस रीडिंग के अंदर आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक है और कुशल मंगल है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन चल रहा है, इवन और बेहतरीन हो जाएगा आफ्टर टुडेज रीडिंग, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं डेस्टिनी के बारे में। एंड डेस्टिनी के बारे में कौन नहीं जानना चाहता, एवरीवन वांट्स टू नो कि भैया मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा हुआ है। सो आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, फॉर माई ब्यूटिफुल क्यूरियस पीपल, कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। पाइल नंबर टू को आप लोगों ने पिक किया है। पाइल नंबर टू है यहां पर जिसके अंदर कुछ हैंड्स है, ओके, स्टार है, आई है, पिरामिड भी बना हुआ है यहां पर, और मून की ऊर्जा है, स्टार की ऊर्जा है। स्टार मुझे यहां पर शो कर रहे हैं होप, मून मुझे यहां पर शो कर रहा है साइकिक एबिलिटीज, और हैंड्स मुझे शो कर रहे हैं ह्यूमैनिटी, ठीक है, इंसानियत। एंड आईज मुझे अगेन शो कर रहे हैं थर्ड आई और थर्ड चक्रा की एनर्जी, ठीक है, आपकी थर्ड आई की एनर्जी। एंड मैं यहां पर फील कर रही हूं बहुत बहुत स्ट्रांगली कि आप एक ऐसे इंसान है जो सबकी मदद करने के लिए हमेशा उतारू रहती है। यू आर अ काइंड, पॉजिटिव, हैप्पी सोल। आप एक ऐसी सोल हो जो हर किसी की मदद करना, हर किसी को पॉजिटिविटी देना, हर किसी का साथ निभाना, हर किसी को हमेशा वैल्यूएबल फील कराना। इवन आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत साइकिक है, साइकिक का मतलब हो गया काफी इंट्यूटिव, ठीक है, दूरदर्शी है। आप जैसा बोल देना वैसा हो जाता है किसी इंसान की लाइफ में, ओके? आपके इंट्यूशंस आपके लिए इतने ज्यादा पॉजिटिवली काम करे या ना करे आपके आसपास के जो लोग हैं ना उनके लिए काफी काम करते हैं। इवन बहुत बार जैसे आप शांत बैठे हो और आपके मन में कोई चीज आए कि मम्मी ऐसे ऐसे हो सकता है इसके साथ, एग्जैक्टली वैसा का वैसा हो जाता है। और आपकी मम्मा आपको आकर के बोले अरे यार कैसी काली जबान है तेरी, तूने ऐसा बोला और ऐसा हो गया उसके साथ। सो यू गाइज आर दैट मच इंट्यूटिव, ठीक है, और ह्यूमन है आप, एक पॉजिटिव ह्यूमन है, एक हीलिंग वाले हीलर ह्यूमन है आप। तो ऑब्वियसली बात है आपके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत है, इंसानियत बहुत है। आपके आपके साथ में एक चीज होती होगी पाइल नंबर टू की आपसे ना झूठ, ग्रीड, डिसेप्शन यानी कि धोखा बर्दाश्त नहीं होता। आप हर चीज बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन फालतू का घमंड, फालतू का ईगो, फालतू का लालच, ठीक है, झूठ बोलना, अपने आप को सही साबित करना, ये सब चीजें ना आपको पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक धोखाधड़ी, डिसेप्शन, ये वो। इवन आपका जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस तरीके का है कि आप हमेशा
खुद खुश रहना चाहते हैं, सामने वाले को खुश रखना चाहते हैं, यू डोंट फील हैप्पी डिस्कसिंग द नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ एनीबडी। इवन आपको कोई मजे नहीं आते कभी भी किसी से भी ये कहते हुए कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, या अच्छा आपकी लाइफ में ये चल रहा है क्या, मतलब यू आर नॉट गॉसिपिंग वाले इंसान। इसलिए हो सकता है कि आपके कम दोस्त है, या आपके दोस्त ही नहीं है, या आप एक जिम्मेदारी उठाने वाले सच्चे इंसान है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप सॉरी दोस्ती बाजी करो। गॉड ब्लेस मी। ओके, सो आप लोगों ने अगर पाइल नंबर 2 को पिक किया है, तो ये एनर्जीज आप लोगों की है जो मैंने यहाँ पर फील करी। अब हम शुरू करते हैं विद योर रीडिंग्स गाइस। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। आइए देख लेते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है जो कि लिखा हुआ है, ऐसा कुछ जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपकी किस्मत में है, आपके साथ होकर के ही रहेगा। ओके, हे ईश्वर प्लीज मुझे बताएं। लेट्स सी व्हाट इज इन योर डेस्टिनी, ऐसा क्या है जो लिखा हुआ है और भैया होकर ही रहेगा। Eight of Wands, Eight of Pentacles, हे ईश्वर प्लीज प्लीज बताइएगा। Strength, Page of Pentacles, Pile number 2 people, you are not so common person. Common person नहीं है आप, याद रखना ये चीज। आपका जन्म एक बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ कप्स, द पेज ऑफ चार्ल्स। इफ यू थिंक यू आर अ कॉमन पर्सन, देन मैं बोलूंगी ये कहीं ना कहीं आपका फॉल्ट है, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपकी जिंदगी एक अलग चीज है। ओके, आप स्पेशल हो। बॉटम ऑफ द डेक द फ्लावरिंग एनर्जी। और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ कार्ड्स में, थोड़ी देर बाद चेक इन करूंगी। पहले आप लोगों के लिए मैं यहां से बताती हूँ। एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ऊर्जा बहुत है, सारी ऊर्जा मौजूद है यहां पर। स्पेशली मैं यहां पर स्ट्रेंथ लिब्रा मतलब लियो लिब्रा एंड एरीज और टॉरस की ऊर्जा ज्यादा फील कर पा रही हूँ। ये ऊर्जा यहाँ पर ज्यादा है, ये जोडियक्स यहाँ पर ज्यादा है। मे बी आपकी ऊर्जा अभी इन जोडियक्स के अंदर रिवॉल्व कर रही है, ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और 8, 17, 5, 12, 25, 27, 29, 31, 9, 20 नंबर की ऊंचा बहुत है। ऐसा हो सकता है गाइस कि आपकी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके अंदर ये नंबर्स हो, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो ये हो, इन नंबर्स में से कोई एक हो, या आने वाले समय में ये नंबर्स आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर दो नंबर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 नंबर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। नाउ लेट मी टेल यू माय ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट इज इन योर डेस्टिनी। पहली बात तो जब मैं आप लोगों के कार्ड शफल कर रही थी, तभी मैंने आपको एक चीज बोल दी थी, दैट यू आर नॉट अ नॉर्मल बीइंग, यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन, यू हैव समथिंग वेरी स्पेशल, जो कि हो सकता है आपको फील भी होता हो कि आप हमेशा लोगों से अलग अपने आप को महसूस करते हैं, आप हमेशा लोगों से डिफरेंट अपने आप को फील करते हैं, आपको हमेशा ऐसा लगता है दैट यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन। जो लोगों को नहीं पसंद होता वो आपको पसंद होता है, और जो आपको पसंद होता है वो लोगों को पसंद नहीं होता है। आप एक अलग किस्म के ह्यूमन हो, जैसे कि आपका जन्म ही हुआ है किसी अच्छे बड़े कॉज के लिए। वो अच्छा बड़ा कॉज भी मुझे पता लग गया, मैं बताऊंगी अभी आपको।
आपकी डेस्टिनी में क्या है? आपकी डेस्टिनी में बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल है। अगर आप ऐसा सोचो कि बहुत इजीली आपको हमेशा चीजें मिल जाएंगी, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। आप बहुत स्ट्रगल करोगे अपनी डेस्टिनी में, अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे। कभी भी आपका कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, आपके किसी भी काम को कंप्लीट होने में एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, डिले होगा, हमेशा आपका काम डिले होगा ही होगा। जब आप पैदा होगे ना तो मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे अभी हो गया, जब आप पैदा हुए होगे तब से लेकर आज तक आपके हर काम में डिले है, ठीक है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए आपको समहाउ या तो तरसना पड़ता है या सोचना पड़ता है कि ये चीज हो भी सकती है या नहीं। लेकिन जब आपके पास कोई चीज होती है ना गाइज, तो वो बहुत ही खूबसूरत होती है। मतलब मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि या तो आपको डिले में मिलेगी कोई चीज, और जब आपको मिलेगी ना तो वो इतनी इतनी अच्छी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। आप अपने पूरे खानदान से हमेशा अलग पाए जाओगे, हमेशा अलग दिखोगे आप अपने खानदान के अंदर, और आपको जो चीजें पसंद होगी ना वो आपके घर वालों को कभी पसंद नहीं आएगी, कभी भी। इवन आपके आइडियाज, आपकी एनर्जी, आपकी स्टेबिलिटी, आपका यू नो थिंकिंग पैटर्न, उनको कुछ भी पसंद नहीं आने वाला है। ओके, सो यू गाइस हैव लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ डिलेज आपकी जिंदगी के अंदर। ओके, सेकेंड चीज, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको हमेशा ऑप्शंस की कभी कमी नहीं होने वाली, आपके पास भर भर के विकल्प होंगे, हमेशा भर भर के विकल्प। या मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपकी डेस्टिनी में आपको हमेशा ऑप्शंस मिलेंगे। शादी करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस, जॉब करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस, रहने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस, ऑप्शंस की, विकल्पों की आपके जीवन में कभी भी कमी नहीं होने वाली है। आप बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे। इवन मैं फील कर पा रही हूँ कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ट्रॉमास से लड़ेंगे और आप अपने खानदान का, अपने घर का नाम रोशन करेंगे। आप अपने पूरे लाइफ में अपने पूरे खानदान से अलग जाएंगे, कुछ हटके करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में सारे डॉक्टर्स हैं तो आप पुलिस वाले बन गए, सारे पुलिस वाले तो आप डॉक्टर बन गए। आपके घर में सब कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर काम करने वाले है ना लोग हैं, कॉर्पोरेट फील्ड के अंदर काम करने वाले लोग हैं, आप बैरिस्टर बन गए, ठीक है। आपके घर में सारे सीधे सज्जन और ऐसे लोग हैं कि अपना दो वक्त का अच्छे से मिल गया और चलो छुट्टी, आप एक्टर बन गए, ठीक है। आप कोई फेमस नाम बन गए। सो फेमस होना, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाना, अपने घर वालों का नाम रोशन करना, और ढेर सारा वाला ट्रैवल करना, ओके, एंड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ ऐसा करके दिखाना जिससे आप अपने पूरे फैमिली मेंबर्स एकदम डिफरेंट साउंड करो, ओके। ये आपकी डेस्टिनी में है, योर डेस्टिनी हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आपकी डेस्टिनी में एक चीज और है कि आपको जब भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, आप उस अपॉर्चुनिटी को या तो खो दोगे या आप बार 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 कोई ना कोई गलती रिपीट करते रहोगे। ये आपका खुद का एक नेगेटिव पैटर्न है ना, तो इसको आपको सुधारने की जरूरत है। बार 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 आप सेम कोई ना कोई गलती रिपीट करोगे जिसकी वजह से आपको हार्ट ब्रेक, नेगेटिव डिसेप्शंस, इनसिक्योरिटीज का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। इस चीज का याद रखें और अपने पेट का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, एक्सरसाइज करें, अपने पेट को बढ़ने ना दें। या फिर मैं ऐसा कहूं कि आपको अपने पेट के एपेटाइट और डाइजेशन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कॉन्स्टिपेशन या स्ट्रांगली लूज मोशंस या फिर गैस्ट्रिक इश्यूज, ये चीजें हो सकती हैं, ओके। इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। एंड मैं यहां पर फील कर रही हूं आपकी डेस्टिनी में सक्सेस है, परमात्मा से जुड़ना लिखा हुआ है, लोगों को उपदेश देना या लोगों को कुछ सिखाना लिखा हुआ है, भर के सेलिब्रेशन करना लिखा हुआ है, अपना खुद का घर, अपनी खुद की गाड़ी, अपना खुद का दुकान मकान बनाना लिखा हुआ है। इवन आपकी जिंदगी में जो लोग आपके साथ बुरा करेंगे ना, देखो हर किसी की जिंदगी में कार्मिक लोग होते हैं क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, राइट। तो जब भी आपकी जिंदगी में कोई कार्मिक कुछ सिखाने के लिए आपको आएगा ना, वो खुद कोई एक बड़ी सीख लेकर जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह कि जब भी कोई कार्मिक आपकी जिंदगी में आएगा और जब वो जाएगा ना, तो आपको मिस करेगा। आपके बहुत अफेयर्स रहेंगे, आपके बहुत हार्ट ब्रेक्स होंगे, आप किसी चीज की फाइंडिंग में होगे जो आपको नहीं मिलेगा, ओके। आप सच्चे प्यार की तलाश में रहोगे हमेशा ज्यादातर,
ठीक है, अब क्या सच्चा प्यार आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी डेस्टिनी में है या नहीं है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया, मैं सच्ची बता रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको बताती। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज के लिए कार्ड्स नहीं भी निकालने चाहिए, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर है कि आप सच्चे प्यार की कहीं ना कहीं तलाश में लगे रहोगे, कहीं ना कहीं आप ढूंढते रहोगे कि यार ये होता, ये होता, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ओके, सो आपका जो जीवन है ना, वो एक महत्वपूर्ण जीवन है। आपका जो सोल पर्पस है ना, वो है लोगों को सिखाना या लोगों का वेलफेयर करना। अगर आपकी वजह से कोई दो बच्चे भी पढ़ लिख करके और बड़े अफसर बन गए ना, तो आप याद रखना आपकी डेस्टिनी कंप्लीट हुई, या मैं कहूं आपका सोल पर्पस कंप्लीट हुआ। ओके, आपका सोल पर्पस है लोगों का वेलफेयर करना। अगर आपकी वजह से एनिमल्स खुश हैं, आपकी वजह से एनिमल्स को शेल्टर मिल रहा है, आपकी वजह से गरीब लोगों को शिक्षा मिल रही है, आपकी वजह से कोई ऐसा ग्रुप है लोगों का जिनको सार्थकता मिल रही है, खाने पीने का दो वक्त का मिल रहा है, अगर वो सक्षम हो रहे हैं, आप लोगों को सक्षम बना रहे हैं, आपकी जो डेस्टिनी का सोल पर्पस है वो कंप्लीट होगा। सो योर डेस्टिनी इज समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। आपका अपना खुद का चीजें होंगी, आपकी खुद की यू नो एम्पायर क्रिएट होगी, लेकिन मेहनत बहुत है, रोना बहुत है, डिले बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, चिक चिक बहुत है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा हेल्प मांगे। इवन मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने परिवार के सच्चे प्यार को भी तरसे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो दिस रीडिंग इज टोटली टाइमलेस, प्लस ये रीडिंग आप सभी लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, तो मुझे नहीं पता आप लोगों से कितना परसेंट रेजोनेट हो रहा है, बट एक चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है कि आपका जन्म आम जन्म नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल अ कॉमन लाइफ, इट्स नॉट एट ऑल अ कॉमन बर्थ। आप इस दुनिया में आए कुछ बड़ा करने के लिए, आपकी डेस्टिनी के साथ है ये चीज, जब आप इस धरती पर आए हो कि आपको लोगों को सिखाना है, लोगों का वेलफेयर करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, लोगों को जागरूक करना है चीजों के प्रति, ठीक है, उनको सार्थक बनाना है। सो आपकी जिंदगी में बहुत सक्सेस होने वाली है। आप किसी तरीके का कोई बड़ा एम्पायर, कोई बड़ा बिजनेस या कोई बड़ा एक स्पिरिचुअल यू नो टारगेट क्रिएट करोगे। लव के लिए कोई भी कार्ड नहीं है तो वो मैं नहीं बताऊंगी, एक्स्ट्रा मैं बोलना पसंद नहीं करती। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग हियर कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, वो बहुत ज्यादा होगी, आप स्पिरिचुअली बहुत अवेकन पर्सन होंगे। आप एक मर्यादा में रहने वाला इंसान होता है ना, आप वो इंसान बनोगे, एक मर्यादा में रहने वाला इंसान, एक स्पष्ट इंसान, स्पष्टवादी इंसान संभव। ठीक है, नाउ लेट मी चेक मोर कार्ड्स, और क्या है आपकी डेस्टिनी में। आपकी डेस्टिनी में ना इनसिक्योरिटीज भी बहुत है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक मैंने बताया आपको। So we have a card of transition, the star blanket, card number 44, and one more card. Here we have the truth, card number 19, the shaker. Bottom of the deck, 7 generation legacy. तो obviously बात है, आपकी destiny में ये चीज है कि आप कुछ ऐसा create करेंगे, कोई ऐसा business आप create करेंगे जिस business को आगे आने वाली पीढ़ियां संभालेंगी, जिसको आगे आने वाली पीढ़ियां बहुत positively, बहुत happiness के साथ लेंगी और इतना खुश रहेंगी, इतना हैप्पी फील करेंगी दैट उन्होंने कभी भी इतना हैप्पी फील नहीं किया होगा। आपका नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। सो ट्रांजिशन का कार्ड है यहाँ पर। आपकी डेस्टिनी कैसी होगी कि बचपन में आप कुछ थे, जवानी में आप कुछ हैं, बुढ़ापे में आप कुछ हैं, और जब आपकी डेथ हो गई तब आपकी एनर्जी कुछ और ही है। आप कभी भी एक जैसा समय अपनी जिंदगी में नहीं देखेंगे, हमेशा बदलती हुई चीजें देखेंगे, जैसे मौसम बदलते रहते हैं ना, जस्ट लाइक दैट। ऑल्सो आई एम सीइंग हियर शेकर का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, बहुत बड़ी बात है ये, पता है, बहुत बड़ी बात है। आप अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, कभी भी, इवन अगर आप कोशिश भी करोगे ना, यू विल एंड अप ओनली विद द ट्रुथ। आपका मन, आपकी जो गट एनर्जी है, वो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलने देगी, कभी भी आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द थ्री थिंग्स जो कि आपकी डेस्टिनी में है। भाई आपसे कोई छीन नहीं सकता उन चीजों को, आइए देखते हैं। सो आपकी डेस्टिनी में है स्पिरिचुअलिटी, स्ट्रांगली स्पिरिचुअलिटी। ओके, आपकी डेस्टिनी में है एक बड़ा बिजनेस, और आपकी डेस्टिनी में है लग्जरी। ये तीन चीजें आपकी डेस्टिनी में है।
ऑब्वियसली बात है, जब आप एक अच्छा खासा बिजनेस करोगे तभी एक अच्छी खासी लग्जरी और एक अच्छा स्पिरिचुअल पाथ होगा आपका, जहां आप लोगों का भला कर पा रहे हो। सही बात है ना? तो ये तीन चीजें ऐसी हैं, स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस और लग्जरी, ये तीन चीजें आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ये होकर ही रहेगा। आपके लिए एडवाइस है कंपैशन, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, क्लियर कैंसिल एंड रिलीज। बॉटम ऑफ द डेक है द सेल्फ एक्सेप्टेंस। एक चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है, पाइल नंबर टू पीपल, एक्सेप्ट योर फ्लॉज, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट योर नेगेटिविटी। जब भी आपको ऐसा लगे ना कि सामने वाले ने, बंदे ने मेरे को ऐसा बोला, ये करा वो करा, एक्सेप्ट द ट्रूथ, कहां आप गलत हो, कहां आप सही हो। ओके, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी से रिलीज करें हमेशा, कभी भी बहुत नेगेटिव चीजों के पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, फुल कंपैशनेट पॉजिटिव एनर्जी में रहें और दिल में जो भी आए ना वो आप खुलकर कहें, आपके लिए ये एडवाइस है। ठीक है, आप जितना परमात्मा से कनेक्शन बना सकते हैं ना उतना कोई नहीं बना सकता, याद रखना, क्योंकि आपका जन्म ही एक बड़े कॉज के लिए है जिसके अंदर लोगों का वेलफेयर शामिल है। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, दिस इज ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी बहुत ही खूबसूरत है। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की रीडिंग आपसे कितने परसेंट रेजोनेट हुई और कितना आपको अच्छा लगा ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, एंड जल्दी मिलेंगे हम एक और नई रीडिंग में, एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपने सजेशंस रिगार्डिंग टुडेज रीडिंग एंड वीडियो प्लस आने वाली अपकमिंग रीडिंग्स के लिए मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार करें और लग जाए काम पर। आपकी डेस्टिनी बहुत खूबसूरत है। लव यू ऑल, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में।